मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं अरे डरो मत भागो मत। अरे नहीं नहीं प्रधानमंत्री महोदय, बख्श दीजिए इन्हें। एक तो इन लोगों को देश की 542 लोकसभा सीटों में से जीतने लायक कोई भी सुरक्षित सीट नहीं मिल रही है, उस पर से आपके व्यंग बाण गांधी परिवार को कहीं भी चैन नहीं लेने दे रहे हैं। आखिर ये माँ बेटे बेटी दामाद जाए तो कहाँ जाए। अब देखिए ना, अमेठी से ठुकराए जाने के बाद राहुल गांधी वायनाड जाने के लिए मजबूर हो गए और वहाँ मंत्री दलों ने उनके लिए मुश्किल खड़ी की तो माँ की सुरक्षित सीट रायबरेली नजर आई। ताज़ा खबरों के मुताबिक वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। इस सीट से सोनिया गांधी साल 2004 से लगातार जीत हासिल कर रही हैं। रायबरेली में पांचवें चरण में यानी 20 मई को मतदान होना है और राहुल गांधी ने बिल्कुल आखिरी समय में रायबरेली से पर्चा भरा है। साल 2019 के चुनाव में रायबरेली ही वो इकलौती सीट थी जो कि कांग्रेस ने यूपी से जीती थी, इसीलिए राहुल गांधी को उम्मीद है कि वायनाड से खतरा होने पर कम से कम रायबरेली के सहारे वो संसद की चौखट चूमने में तो कामयाब हो ही जाएंगे। और शायद बेटे की इसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए सोनिया गांधी ने संसद पहुंचने के लिए राज्यसभा का सहारा लिया और रायबरेली की सीट राहुल गांधी के लिए छोड़ दी, क्योंकि केरल के वायनाड में इस बार बेहद कम वोटिंग हुई है। वायनाड में जहाँ साल 2019 में 72% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार 8% से ज़्यादा मतदान कम हुआ है, जो कि कुल 63.9% रहा। वहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है। यही वजह है कि राहुल गांधी घबरा गए हैं और उन्होंने रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी के लिए रायबरेली की जंग इतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि रायबरेली में भी कांग्रेस की जीत का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। राहुल गांधी को यहाँ पर भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह से मुकाबला करना होगा, जिन्होंने पिछली बार ही सोनिया गांधी को नाकों चने छपवा दिए थे। साल 2019 के चुनाव में वैसे तो सोनिया गांधी जीती थी, लेकिन उन्होंने उनको कुल जो वोट मिले थे वो 5,34,918 वोट थे और वहीं उनके सामने खड़े दिनेश प्रताप सिंह 3,63,740 वोट लेकर दूसरे स्थान पर उन्होंने अपना दमखम दिखा दिया था। इसलिए राहुल गांधी ये न समझें कि राहुल रायबरेली की जो सीट है वो केक वॉक है और यहाँ पर उन्हें अपनी माता जी की तरह आसानी से जीत मिल जाएगी, क्योंकि गांधी खानदान का परंपरागत गढ़ माने जाने वाले रायबरेली की सीट पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली सदर से अयोध्य सिंह ने भाजपा का झंडा लहरा दिया है, यानी कि वो वहाँ से विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं भाजपा के झंडे पर, जो कि ये दर्शाता है कि रायबरेली में भाजपा का जनाधार बढ़ा है, जो कि राहुल गांधी को भारी पड़ सकता है। इसीलिए खुद सोनिया गांधी को रायबरेली में उतर कर वहाँ के मतदाताओं से राहुल गांधी को वोट देने की भावुक अपील करनी पड़ रही है। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने भी रायबरेली में डेरा डाल दिया है। अब इतिहास में झांकें तो रायबरेली लोकसभा सीट 1952 के चुनाव के बाद से सबसे ज़्यादा बार गांधी परिवार के पास ही रही है। राहुल गांधी के दादा फिरोज गंडे यहाँ से पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे और जीते थे, जिसके बाद इंदिरा गांधी राजीव गांधी और उसके बाद दो बार अरुण नेहरू भी यहाँ सांसद रह चुके हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ वो नहीं हैं जो आज से पहले हुआ करती थी, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। राहुल गांधी अमेठी जैसा अपना मजबूत किला गंवा चुके हैं और बार बार चुनौती दिए जाने के बावजूद अमेठी नहीं गए। ऐसे में अगर रायबरेली भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाता है तो यूपी में कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं बचेगा।
उदय इंडिया पर हम आपके लिए इसी तरह से देश की महत्वपूर्ण चीजों का एनालिसिस लेकर आ रहे हैं, जिसे देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।